देश में 5G की चर्चा तो काफी लंबे समय से हो रही थी, लेकिन शनिवार 1 अक्टूबर 2022 को वो दिन आ ही गया जो टेक्नोलॉजी के इतिहास में दर्ज हुआ, क्योंकि अब देश चलेगा नहीं, दौड़ेगा, वो भी 5G की स्पीड से। 5G सर्विस लॉन्च होने के बाद से ही देश के दो सबसे बड़े टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल और रिलायंस जियो ने घोषणा कर दी है कि वो इस साल से 5G सेवाएं शुरू करेंगे। हालांकि अभी तक टैरिफ को लेकर कोई जानकारी नहीं है। 5G टेक्नोलॉजी भारत में मोबाइल यूजर्स को बेहतर कवरेज, हाईफाई डाटा रेट, तेजी और बेहतर कम्युनिकेशन देने के लिए लाई गई है। पीएम मोदी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि देश अब तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम बातें कही हैं जो हम पॉइंट्स के हिसाब से आपको समझाएंगे। 5G ने अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत की है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 की तारीख इतिहास में दर्ज होगी। नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी के विकास में एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। आज इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदलेगा। 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 2014 में जीरो मोबाइल फोन एक्सपोर्ट से आज हम हजारों करोड़ के मोबाइल एक्सपोर्ट करने वाले देश बन चुके हैं। इन सारे प्रयासों का प्रभाव डिवाइस की कीमत पर पड़ता है। अब कम कीमत पर हमें ज्यादा फीचर्स भी मिलने लगे हैं। घर घर बिजली, हर घर जल और हर घर गैस सिलेंडर की तरह सरकार इंटरनेट फॉर ऑल पर काम कर रही है। सरकार ने डिजिटल पेमेंट का रास्ता आसान बनाया। छोटा दुकानदार भी कहता है, कैश नहीं, UPI कर दीजिए। साथियों, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना, जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। मुझे याद है जब मोबाइल सेक्टर से जुड़े इस विजन के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी तो मैंने कहा था कि हमारी अप्रोच टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि होलिस्टिक होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए जरूरी था कि वो इस सेक्टर के सभी आयामों को एक साथ कवर करे। इसलिए हमने 4 पिलर्स पर और 4 दिशाओं में एक साथ फोकस किया। पहला, डिवाइस की कीमत। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी। तीसरा, डेटा की कीमत। चौथा, और जो सबसे जरूरी है, डिजिटल फर्स्ट की सोच। वहीं 5G मोबाइल सर्विसेज की शुरुआत की गई। इस दौरान पीएम ने नई दिल्ली में बैठकर यूरोप में मौजूद एक कार का रिमोट टेस्ट किया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, वो वीडियो भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी अपने सामने लगे स्टीयरिंग से कार को कंट्रोल कर रहे हैं। सामने लगे स्क्रीन पर कार के व्हीकल का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी ने 5G के यूज कैसे देखे, चलिए आपको भी बताते हैं। जियो ने 4 स्कूलों को जोड़ा। मुंबई के एक स्कूल के शिक्षक ने 3 अलग अलग स्थानों के छात्रों को पढ़ाया। अहमदाबाद के रोपाड़ी प्राइमरी स्कूल के एक स्टूडेंट ने पीएम से बात की। वोडाफोन आइडिया ने 5G की मदद से दिल्ली मेट्रो की एक निर्माणाधीन सुरंग में कामगारों की सुरक्षा का यूज केस किया, डेमोन्स्ट्रेट किया और टनल में काम कर रहे लोगों से भी पीएम मोदी ने बात की। एयरटेल ने अपने डेमो में यूपी के स्टूडेंट्स को शामिल किया, उन्हें वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया। उनमें से एक छात्रा ने होलोग्राम के जरिए मंच पर उपस्थित होकर अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को पीएम के साथ शेयर किया। वैसे देश में 5G लॉन्च होते ही देश में सियासत भी काफी तेज हो गई है। अब कोई नई चीज आई और सियासत ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? इसको विपक्ष इस तरह ले रहा है कि वो इस पर सवाल उठा रहा है। हालांकि इस पर पहले भी बहस हो चुकी है, कई लोगों ने सवाल उठाए थे, कई देश में सवाल उठे थे कि जो कोरोना है वो 5G की टेस्टिंग की वजह से आया। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते,
सवाल उठा रहा है विपक्ष, जहां एक तरफ सीएम योगी ने इसकी तारीफ की है तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 5G लॉन्चिंग को लेकर ट्वीट के जरिए हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में जनता को 5G पहले से ही मिल रहा है। इसको विस्तार से समझाते हुए उन्होंने 5G के अर्थ समझा दिए। अखिलेश ने कहा, जी गरीबी, जी घोटाला, जी घपला, जी घालमेल, जी गोरख धंधा। अखिलेश के 5G कार्ड समझाए जाने के बाद से राजनीति गरमाना तय था। एक तरफ संचार क्रांति के क्षेत्र में माहौल बदलने और रोजगार से लेकर सूचनाओं के आदान प्रदान में तेजी आने के दावे भाजपा नेता कर रहे हैं, तो वहीं इसके बाद अब सियासत और तेज हो गई है। वैसे आपके मन में भी 5G को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे, तो हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि इससे जुड़े हर छोटे बड़े सवाल का जवाब क्या हो सकता है। किन शहरों को मिलेगी 5G सर्विस? पहले चरण में देश के सभी महानगरों समेत 13 शहरों में लोग इस सेवा का आनंद ले पाएंगे। इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, चंडीगढ़, गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद और जामनगर शामिल है। लेकिन इसके लिए आपको फोन 5G लेना होगा। 4G के मुकाबले स्पीड कितनी? 5G की अधिकतम इंटरनेट स्पीड 10 GB प्रति सेकंड होने का अनुमान लगाया गया है। 5G में सिर्फ 10 सेकंड में ही पूरी फिल्म या वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। 4G के मुकाबले बात करें तो ये इसे काफी ज्यादा तेज होने वाला है, साथ ही बेहतर क्षमता उपलब्ध कराएगी। गांव में कब तक पहुंचेगा 5G? तकनीकी जानकारों के अनुसार गांव-गांव में इस सेवा को पहुंचाने में अभी कम से कम 1.5 साल का समय लग सकता है। वहीं मोबाइल कंपनियां भी दावा कर रही हैं कि वो दिसंबर 2023 तक देश के हर कोने में 5G सेवाओं को पहुंचा देगी। अगर कंपनियों का दावा सही मान ले तो गाँव में 1 साल से पहले 5G नहीं पहुंचेगा। क्या 5G स्मार्टफोन 10 GB सपोर्ट करेगा? शुरुआत में शायद नहीं, लेकिन बाद में इस पर काम किया जाएगा। 5G से कम 100 MB का सपोर्ट करने की उम्मीद है, फिर भी 10 GB जितनी तेज स्पीड के लिए सक्षम होगा। मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम शुरुआत में तेज स्पीड से नेटवर्क तक पहुंचने वाले करोड़ों लोगों का समर्थन करने में सक्षम नहीं होगा। कैसा होगा 5G? यूजर्स को तेज इंटरनेट स्पीड देगा। जब यूजर्स के एक ही नेटवर्क से कई डिवाइस कनेक्ट होते हैं तो उन्हें कई बार नेट चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। आप तेजी से कुछ भी डाउनलोड कर सकेंगे। ये आपको एक शानदार अनुभव देने के लिए लाया गया है। 5G के आने से क्या 4G खत्म होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। 4G आने वाले कई सालों तक रहने वाला है, जैसा 4G आने के बाद हमने 3G के साथ देखा था। मोबाइल सेवा ऑपरेटर सभी 3G सेवाएं प्रदान करती हैं, तो 5G का मतलब 4G का अंत नहीं होगा। हालांकि इसका इस्तेमाल 3G की तरह ही कम हो जाएगा। 5G सेवाओं के लिए लेना होगा नया सिम? बिल्कुल नहीं। 5G के लिए आपको नई सिम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने मौजूदा सिम कार्ड का इस्तेमाल करके ही इसे यूज कर सकते हैं। 5G सेवाओं के लिए लेना होगा नया फोन? ये भी लोगों का सवाल है। जी हाँ, जब तक आपने हाल ही में 5G फोन नहीं खरीदा तब तक 5G सेवाओं को चलाने के लिए एक नए फोन की जरूरत होगी। ये केवल 5G फोन पर ही सपोर्ट करेगा। 5G सेवाओं से फोन की बैटरी को खतरा है, लोग डरे हुए हैं। जी हाँ, दुनिया के कई हिस्सों में जहाँ 5G को रोल आउट किया गया है, वहाँ यूजर्स ने इसे शिकायत की है। यहाँ तक कि सैमसंग का कहना है कि कुछ 5G यूजर्स ने देखा है कि उनके फोन की बैटरी पहले से ज्यादा तेज से खत्म होती है। हालांकि ये कई कारकों पर निर्भर करता है। सैमसंग ने समझाया कि अगर आपके पास बैकग्राउंड में कई एप्लीकेशन चल रहे हैं या अगर आप ऐसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें ज्यादा लोड की जरूरत है, तो बैटरी लाइफ प्रभावित हो सकती है। क्या 4G के दाम में ही 5G मिलेगा? उम्मीद है कि दोनों के दामों में ज्यादा फर्क नहीं होगा, हालांकि अभी से लेकर जानकारी नहीं मिल पाई है। वही विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरी और ईटी टेलीकॉम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में टेलीकॉम कंपनियां अपनी 5G के प्लान की दरें 4G की तरह रखना चाहती हैं। उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके लिए काफी होंगी। तमाम ऐसी अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।